फाइनली फर्स्ट क्लास आफ्टर द रिजल्ट है ना, एजेंडा देखते हैं अब किस तरीके से आगे हम मूव करेंगे। हफ्ते में दो क्लासेस होंगी, ठीक है, आपके ट्यूसडे थर्सडे दो क्लासेस रहेंगी, और जो हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे उसका टेस्ट होगा संडे को। संडे को आपका टेस्ट होगा, मॉर्निंग में 3 घंटे का टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर उसका क्लास में डिस्कशन होगा, और सेम डे आपकी कॉपी चेक करके आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से चलेगा अभी सिस्टम। और आपके जैसे अभी हमने एक वर्कशॉप रखेंगे यहाँ पर, सेकंड सैटरडे होगा 10th को, ठीक है, 10th को सेकंड सैटरडे, तो वर्कशॉप हमारी आर्ट ऑफ एसे राइटिंग पे होगी। ऐसे किस तरह की इसे लिखे, क्या क्या चीज़ें अपने उससे पर्सपेक्टिव और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, तो ये आपका संडे को रहेगा। और फिर एक ऐसे का टेस्ट होगा ना 15 अगस्त, उस दिन भी छुट्टी है, तो इस दिन टेस्ट होगा। बाकी आपकी डेली ट्यूसडे थर्सडे क्लासेस होती रहेंगी, ठीक है, बीच में। और हमारी ये 10 क्लासेस होंगी, ठीक है ना, ये टेस्ट है आपके, 6 टेस्ट हो जाएंगे साथ में, और 10 क्लासेस होंगी जिसमें हम कंटेंट को रिवाइज करेंगे, जो भी अभी तक जितने टॉपिक्स हैं। और फिर हम 27th को रिवीजन करेंगे एक, फिर हम पेपर वाइज की जीएस पेपर 1, फिर यहाँ पे एक क्लास होगी 27th को, रिवीजन होगा, 28th को छुट्टी है, 29th को आप रिवाइज करके आओगे और उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा जीएस 1 का। यहाँ तक जो ये 6 टेस्ट होंगे, इसमें जितना कंटेंट हम रिवाइज करेंगे उसको हम उसका टेस्ट लेंगे 6 में, ठीक है। बाकी 3 और टेस्ट है, ठीक है ना, ये आपका ऐसे वाला टेस्ट हो जाएगा। फिर 31st को ना रिवीजन ऑफ पेपर 2 और इसका GS2 टेस्ट 8 होगा आपका, प्लस 3rd को रिवीजन 3 और फिर 9 टेस्ट होगा। और थोड़ा ऐसे साथ साथ में देखते रहेंगे, क्योंकि ऐसे के जो टॉपिक्स हैं ना हम इस तरीके से मैनेज करेंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में भी है और वो ऐसे के लिए भी हो जाते हैं, जैसे स्कीम्स हैं, ये तो स्कीम्स हो रही है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे के लिए भी हो जाएगी। फिर SC ST OBC माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, विमेन, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, इन पर भी ऐसे आ सकता है। तो जो टॉपिक्स एक बार हो जाए, गवर्नेंस ना, गवर्नेंस अपने आप में एक थीम है जिसके अंदर टॉपिक्स आ सकते हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, इन सब पर एसेज बन सकते हैं। और वही सिलेबस में जब जब हम कवर करें उसी को ऐसे के थीम्स की तरह भी हम देखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आज हमने क्या करना है। हम चलेंगे पहले ये कोर वैल्यू इन गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस, ठीक है, फिर इस कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पर फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, गवर्नेंस, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, फिर यहाँ से मूव करते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, और उसमें आरटीआई के क्या इश्यूज चल रहे हैं, फिर चैलेंजेस ऑफ करप्शन, गवर्नेंस, ये आपका रहेगा, ठीक है ना, ये यूनिट 3 सब यूनिट 2 के अंदर है, पेपर 1 में, सब यूनिट यूनिट 2 सब यूनिट 1 में भी है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस को इवॉल्व करके इसमें गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स, फिर यहां पर कुछ ये चलेगी सिटीजन चार्टर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो पब्लिक सर्विस के कॉन्सेप्ट्स, फिर यहां पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है ना, उसको भी हम इसी के साथ देख लेंगे। फिर यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, तो गुड गवर्नेंस के साथ वो कनेक्टेड रहेंगे। एथिक्स एंड गवर्नेंस इन इंडिया है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द चेंजिंग रोल ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर, आज़ादी के बाद किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है डिप्यूटी कमिश्नर का रोल। फिर हिमाचल वाले एस्पेक्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, देखो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट रहेगा, प्लस उसमें आरटीआई रहेगा, नेशनल लेवल पे जो आरटीआई है, प्लस हिमाचल प्रदेश में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रूल्स मेड देयर अंडर बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, तो आरटीआई हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल लेवल पे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पास नहीं हुआ है, ठीक है, ये पास नहीं हुआ है, स्टेट में हमारे पास हुआ है, तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हिमाचल प्रदेश वो करना इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसको हम इवॉल्व करते हुए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो गया, फिर आगे, क्योंकि देखो ना इसमें रिफॉर्म की बात हो रही है, ई गवर्नेंस की बात हो रही है, इसी के साथ हम आपके पेपर 3 में है ना, सब यूनिट 3 के अंदर है हिमस्वान, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस वाले कॉन्सेप्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उसमें हिमस्वान कनेक्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे AGISSE है, यहाँ पर लोक मित्र केंद्र, आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, ये थीम रहेगा अभी जिसको हमने कवर करना है, गवर्नेंस का आस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ तक चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आप HAS मेंस 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वरिड हैं कि इसका वास्ट सिलेबस कैसे कवर करें?
क्या आप अपने आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं और मेंस की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं जिसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिले? क्या आप इसी अटेम्प्ट में अपना नाम फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो रमन अकेडमी का टारगेट HAS मेंस 2019 कोर्स आपके लिए है।